मिल पाई है। और दूसरी तरफ ओनली ग्लिच के खिलाड़ी अपने आप को हार्ड कवर के पीछे रखेंगे भाई, जी गॉड के द्वारा एक शानदार प्रिसाइज स्प्रे देखने को मिल जाएगा, डाउन किया जा चुका है प्लेयर को, इंस्टेंटली फिनिश ऑफ कर तो पूरी तरीके से एक एग्रेसिव स्टांस में बढ़ते हुए यहां पे जी गॉड के साथ लिली डेथ काफी नजदीक, डैमेज पड़ा है यहां पे, जी गॉड को काफी सब्सटेंशियल डैमेज भी वो दे चुके हैं, डिस्पाइट माइट जस्ट गो अगेंस्ट देम बट नो, पूरी तरीके से कंट्रोल किया गया लिली द्वारा, एक ड्रॉप शॉट ऑन को मिल जाएंगे, लिली आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ हमें देखने को मिल जाएंगे बबली एंड आगे बढ़ा जाएगा एक बढ़िया स्प्रे, ऑस्टिन पॉडिक्स को डाउन किया, वहीं दूसरी तरफ रेवेनेंट के बाकी खिलाड़ियों को भी एलिमिनेट करेंगे अपने लिए, टोटल 8 फिनिशेस टीम गॉडलाइक उनको ट्रेड दे दिया गया था, देखते ही देखते कुछ ही मिनट्स के अंदर यहां पे एक जो एलिमिनेट हो चुकी है। दूसरी तरफ टीम गॉडलाइक काफी शानदार तरीके से रेकनिंग के प्लेयर्स को नॉक कर रही है, उन्हें लगातार फिनिश करती चली जा रही है, फिनिशेस देखिए ट्रूपर इनके पास 13 फिनिशेस नजर आ रहे हैं, अभी तो मैच शुरू हुए सिर्फ 17 मिनट हुए हैं, 13 फिनिशेस निकाल चुकी है टीम, बट लगातार फाइट्स के अंदर अपने प्लेयर्स को भी लूज कर रहे हैं, यहां से लिली बचे एक सोलो सर्वाइविंग प्लेयर अपनी टीम से और जल्द से जल्द वो कोशिश करेंगे बबली को यहां रिवाइव देने की, क्योंकि उनकी एचपी ऑलरेडी काफी ज्यादा लो है, ब्लीड आउट हो सकते हैं वो जल्दी ही, बट उससे इंपॉर्टेंट रहेगा आखिरी प्लेयर को एलिमिनेट करना और लीजिए आखिरी प्लेयर को हेड चेस करने में कामयाब होते हुए और उन्हें फिनिश ऑफ भी करते हुए और कुछ बेहतरीन फिनिशर्स टीम चौथे पोजीशन तक सर्वाइव किया और वहां कुछ फिनिशर्स भी उन्होंने बटोर लिए इस मैच के दौरान, पर टीम गॉडलाइक के दो प्लेयर्स अभी भी सरवाइव कर रहे हैं और इन 16 फिनिशेस में और भी ज्यादा इजाफा करने की कोशिश ये टीम कर रही है, भले ही ये अपने आप ब्रिजेस का कवर तो रहेगा इनके पास, बट वहीं करीब के कंपाउंड्स में गॉडलाइक के दो खिलाड़ी नजर आ रहे हैं जिन्होंने रूफटॉप ऑलरेडी होल्ड कर रखा है और एस फ्लैग को लिली यहां पर डाउन करने में कामयाब हो जाएंगे, लिली के द्वारा नॉक किया जा चुका है एक प्लेयर को, फिनिश करने की कोशिश की जा सकती है अगर इनके पास थ्रोएबल्स हैं, अगर इनके पास ग्रेनेड या मोलोटोव्स हैं तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ दलजीत को भी लिली टेक डाउन करते हुए। Well, yes, दिलजीत को यहाँ पे टेकडाउन किया जा रहा है, दिस इज गोइंग टू बी एन इनकमिंग चिकन डिनर फॉर गॉडलाइक, या फिर हैदराबाद हाइड्रास हैव अ डिफरेंट प्लान ऑल टुगेदर, ओवेस वहां पे अभी भी मौजूद, बट कितनी देर से गॉडलाइक शांति से एक कंपाउंड को पकड़ के बैठी हुई है, नो सिग्निफिकेंट रोल बट सर्कल बनी हुई इस समय इस लॉबी के अंदर, ओवेस काफी दूर है इस कंपाउंड से, सर्कल का शिफ्ट कंपाउंड की तरफ, रिज लाइन के नजदीकी से आगे बढ़ने की कोशिश, स्पॉट किया गया लिली को, एक बुलेट वहां अरेंज होगी, कनेक्ट की जाएगी, बट दो प्लेयर्स इस मौके का फायदा उठा के क्लोजिंग कर गए, पब्लिक के ऊपर पुश, पब्लिक को गिराया जाएगा, हैदराबाद हाइड्रास यहां पे एक इंपैक्ट डाल रहे हैं, बट लिली लुक एट द गेम सेंस, उन्होंने रियलाइज तो कर लिया मेरे टीममेट तो यार नॉक हो चुके हैं, बट वहीं एक दूर प्लेयर राइट हैंड साइड की तरफ से भी आ रहा था, कैन आई जस्ट कैच हिम ऑफ गार्ड, क्या एक और पिक यहां पे मैं निकाल सकता हूं, हील बैटल करते हुए ओबेस ओवर देयर एंड फाइनली आई बिलीव वो यहां पे अभी भी सर्वाइव करते हुए दिखाई दे रहे, एक पिक और निकाल लिया गया है वहां पे उनकी वजह से, लेट्स सी कितनी देर तक ये यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, एंड लुक एंड फिर से एक नेड डैमेज जरूर देगा, क्या यहाँ पे हैदराबाद हाइड्रास के ऊपर ओपनिंग, एक फॉलो अप नेड काफी तेजी से गया है एंड ओबेस फाइनली प्ले जोन से गिरते हुए दिखाई दे, बिल्कुल यहाँ अब एलिमिनेट होते हुए नजर आ रहे हैं ओवेस और यहाँ से पूरी टीम फॉरएवर का एलिमिनेशन हो चुका है तीसरे पोजीशन के ऊपर और अभी भी यहाँ गॉडलाइक के लिली सरवाइव करते हुए कोशिश अपनी तरफ से पूरी कर रहे हैं कि इन ग्रेनेड के साथ कुछ ओपनिंग निकाली जाए और वो ओपनिंग मिलेगी स्ट्राइकर के रूप में, स्ट्राइकर को टेक डाउन करने में कामयाब हो जाएंगे उस ग्रेनेड के साथ, बट वहीं इनके पास वो हायर ग्राउंड का एडवांटेज है जिसके साथ वो इस नॉक प्लेयर को फिनिश करेंगे, बट ग्रेनेड का काफी अच्छा इस्तेमाल किया जाएगा, कामयाबी मिलेगी और यहां से टीम गॉडलाइक अपने लिए निकाल जाएगी एक शानदार विनर विनर चिकन डिनर, जहां लिली के द्वारा लास्टली एक 1v2 देखने को मिला। Well,